बच्चों, मैं शिवम पांडे आप लोगों का विद्यारंभ अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पिछले लास्ट क्लास में पढ़े थे कि लाइट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, सोर्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। उसी में हमने एक आपको एग्जांपल ये बताए थे लाइट को समझाने के लिए, लाइट होता क्या है, एक एग्जाम्पल को लेकर के ये बताए थे कि लाइट होता क्या है। तो एग्जाम्पल ये लिए थे कि जैसे आप एक अंधेरे रूम में एंट्री करते हैं, तो उस अंधेरे रूम में एंट्री करते हैं तो आपको कुछ भी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, और जैसे ही उस रूम में लाइट को ऑन करते हैं तो रूम में रखी हुई सारी चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाती हैं। तो ये क्यों दिखना शुरू हो जाती हैं, तो ये हम देखते हैं। और ये भी हम कल ये बताए थे, आपको शायद याद होगा कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है क्या, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को एग्जाम्पल में हम लेते हुए जब ये बताए थे, तो यही क्या होते हैं, जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं यही इमेज बनने का कारण बनते हैं। तो इसी में हम लेते हैं कि जो भी रूम में रखे जितने भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी अदीप्त वस्तुएं जितनी भी होती हैं, उन्हीं अदीप्त वस्तुओं के कारण ही इमेज बनना शुरू होता है। ये क्यों होता है हम आपको बताते हैं, ये होता कैसे है कि जैसे रूम में आप एंट्री करते हैं तो जितने भी रूम में वस्तुएं रखी होती हैं, तो लाइट्स यानी जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जब प्रकाश कुंज से निकलना शुरू होती हैं तो रूम में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन रूम में पड़ती हैं, और रूम में पड़ने के कारण वो क्या होती है, जैसे रूम में रखी वस्तुएं होती हैं उसमें पड़ती हैं, और जो उस वस्तुएं कैसे होती हैं, अदीप्त वस्तुएं होती हैं। कैसे वस्तु होती हैं, अदीप्त वस्तुएं होती हैं, और वो अदीप्त वस्तुएं कैसी होती हैं, माध्यम भी डिपेंड करता है, माध्यम कैसी होती हैं, वो अपारदर्शी माध्यम होती है। क्या होती हैं, अपारदर्शी माध्यम होती है। अपारदर्शी बोले थे ऑपेक ऑब्जेक्ट होती है, है ना। तो ये माध्यम क्या होता है, ये ऐसे माध्यम है जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो प्रकाश की किरणें उसको पार नहीं कर पाती हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अपार मतलब उसको पार नहीं कर पाती, और अपारदर्शी माध्यम में ही क्या बनता है, इमेज बनती है, यानी प्रतिबिंब बनना शुरू होता है। अरे प्रतिबिंब क्या होता है, इसको हम आगे समझेंगे, प्रतिबिंब बनते कैसे इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले ये समझेंगे कि प्रकाश होता क्या है और हमारा टॉपिक क्या है, परावर्तन। तो रूम की बात करते हैं, तो रूम में जैसे एंट्री किया तो उस माध्यम में पड़ी, माध्यम में जब किरणें पड़ती होती तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। वो माध्यम भी कैसा है, माध्यम अपारदर्शी माध्यम है, और उस माध्यम से किरणें जो टकराते हैं तो टकराने के बाद वो किरणें क्या होती है, वापस आती हैं, और वो वापस आने के बाद कहाँ पे पड़ती हैं, तो वापस आने के बाद वो किरणें हमारे आंखों पर पड़ती है। और जैसे कि आप लोगों को पता है आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारे आंखों में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो रेटिना पर बनता है, तो कैसे बनता है, वो जब उस ऑब्जेक्ट पर कहां पर उसी ऑब्जेक्ट पर जब किरणें क्या होती है टकराते हैं, टकराने के बाद वापस हमारी आंखों पर पड़ती है, तो उसका ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट जैसा है उसका इमेज हमारी आंखों पर बनना शुरू हो जाती है, और वैसे इसी से हम जो भी वस्तुएं उस रूम में रखी होती है एग्जैक्ट यानी क्लियर दिखना शुरू हो जाते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये वस्तु क्या है जो रूम में रखी हुई, उसको हम क्या करते हैं, क्लियर कर पाते हैं। तो वो प्रोसेस होता क्या है, ये सारा प्रोसेस होता क्या है, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं परावर्तन, और अपवर्तन आगे होता है। अपवर्तन में कैसा होता है, अपवर्तन के लिए होता है पारदर्शी माध्यम, और परावर्तन के लिए कैसा माध्यम होना चाहिए, अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम इसके लिए, अपवर्तन के लिए, और परावर्तन के लिए कैसा माध्यम होना चाहिए, अपारदर्शी माध्यम होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें होता है यही एग्जाम्पल ये कि दिखना शुरू होती है, तो परावर्तन पहला टॉपिक हमारा क्या आएगा, परावर्तन आएगा। अब परावर्तन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, परावर्तन होता क्या है। तो परावर्तन क्या है, दो प्रकार परावर्तन में होता है, पहला परावर्तन समझेंगे, परावर्तन होता क्या है वो देखेंगे, इसके बाद तो प्रकाश का परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है। परावर्तन में हम पहला टॉप पहले परावर्तन और अपवर्तन, पहले परावर्तन को हम समझेंगे, परावर्तन होता क्या है। परावर्तन मतलब वर्ड को देखिए आप समझिए, रिफ्लेक्शन, आप लोग हमेशा वर्ड रफली बोलते होंगे, रिफ्लेक्ट हो रही है कि रिफ्लेक्ट हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, आप रफली आप डेली यूज करते होंगे लेकिन समझ नहीं पाते होंगे कि वास्तव में है क्या, तो वो देखेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब समझिए, और परावर्तन हिंदी में उसको समझिए परावर्तन, परा मतलब होता दूसरे पर पड़ती यानी पड़ी, और वर्तन मतलब होता वापस लौटी, परावर्तन मतलब पड़ी और वापस लौटी, यही मतलब होता है परावर्तन, इन पढ़ने के बाद वापस लौटना, यही घटना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। तो सीधे सीधे इसको रफ्ती समझेंगे और लैंग्वेज में आएंगे, इसको मेन जो डिफिनेशन बनेगी क्या कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, अपारदर्शी माध्यम,
जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है या उस पर पड़ती है तो टकराने या पड़ने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। माध्यम भी ध्यान देखना है, हमें एक ही माध्यम इसकी जरूरत पड़ती है, किसमें पड़ता है, परावर्तन। परावर्तन में सिर्फ एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आगे जैसे अपवर्तन जाएंगे, अपवर्तन में दो माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। कितने माध्यम की? दो माध्यम की। लेकिन इसमें कैसा, इसमें हमें देखना है कैसा माध्यम, कितने माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें सिर्फ एक माध्यम की आवश्यकता है और वो माध्यम कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए। अपारदर्शी होना चाहिए तो मतलब परावर्तन, मतलब जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आना, यही जो घटना होती है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब परावर्तन के प्रकार को देखेंगे कि परावर्तन का प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, फिर परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम अपवर्तन को पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण होता क्या है, दर्पण पढ़ने के बाद जाकर के अपवर्तन में पहुंचेंगे। अपवर्तन आप ध्यान दीजिएगा, दर्पण, दर्पण और लेंस, यह ध्यान दीजिएगा, दर्पण और लेंस, दर्पण और लेंस इसमें होता है परावर्तन, और लेंस में क्या होता है? अपवर्तन। ऐसा नहीं है कि दर्पण में अपवर्तन नहीं हो सकता, दर्पण में भी अपवर्तन हो सकता है, लेकिन ये ध्यान देंगे दर्पण में जब एक तरफ के क्या होगी, एक तरफ उसमें सरफेस कैसा होगा, पॉलिश्ड सरफेस होगा, तब जाकर के उसमें परावर्तन होगा। अगर इसमें पॉलिश्ड सरफेस नहीं बन रहा है तो इसे हम दर्पण भी नहीं बोलेंगे, इसे ग्लास बोलेंगे। फिर इसे क्या बोलेंगे? दर्पण तब नहीं बोलेंगे, दर्पण तब बोलेंगे जब एक तरफ उस दर्पण में, उस ग्लास में पॉलिश्ड होगा तो दर्पण का रूप ले लेगा, और उस दर्पण में अगर पॉलिश नहीं होगा तो वही दर्पण ग्लास बनेगा, और ग्लास में ही क्या होता है, क्या होता है, ग्लास में अपवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि ग्लास कैसा बन चुका होगा, कैसा माध्यम, अपारदर्शी, पारदर्शी माध्यम बन चुका होगा, और जब दर्पण होगा तो वो अपारदर्शी माध्यम दर्पण कब बनेगा, जब एक तरफ उसमें क्या कर देंगे हम, पॉलिश्ड कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि दर्पण जब होगा दर्पण के रूप में तो इसमें परावर्तन, और दर्पण जब ग्लास के रूप में हो जाएगा, दर्पण किसमें हो जाएगा, ग्लास के रूप में हो जाएगा, यानी जो मिरर किसमें चेंज हो जाएगा, ग्लास में चेंज हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, अपवर्तन होगा, और लेंस में तो ऑलरेडी क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं, क्या होता है परावर्तन के नियम, परावर्तन के पहले प्रकार पढ़ेंगे। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला परावर्तन होता है रेगुलर या नियमित परावर्तन, और दूसरा क्या होता है, इरेगुलर यानी अनियमित परावर्तन। इसको देखते हैं तो जैसा कि हम आपको बताया कि परावर्तन के प्रकार पढ़ेंगे। परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन जिसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है अनियमित परावर्तन जिसे कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नाम से पता होगा नियमित और अनियमित। रेगुलर मतलब होते हैं, रेगुलर मतलब जितनी भी किरणें आएंगी और सारी मतलब रेगुलर रूप से परावर्तित हो रही है, मतलब इसमें जितने भी, एक होता है हमें पहले ये ध्यान देना है कि हमें ये ध्यान देना है कि जो किरणें आती हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, और जहां पे किरणें पड़ती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, और जहां से उस पॉइंट से टकरा करके किरणें जो वापस होते हैं, जो रिफ्लेक्ट होते हैं, परावर्तित होकर के वापस जाते हैं, उस किरण को क्या कहते हैं, और उन दोनों किरण को जो बांटती है, जो जिस एंगल से बांटता है उसे हम क्या कहते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो ये देखने के लिए हम यहाँ आते हैं। जो ये होता है, एक सरफेस लेते हैं, मानते हैं कैसा सरफेस है, ये सरफेस होगा, ये जो नीचे वाला सरफेस होता है इसे हम कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस, इसे कहते हैं हम पॉलिश्ड सरफेस, और जो ऊपर वाला सरफेस होता है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये ध्यान देना है, ये जो सरफेस पहले देखेंगे, सरफेस में क्या होता है, पॉलिश सरफेस होगा और एक रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टेड सरफेस मतलब होता है जितनी भी किरणें आएंगी वहां से पड़ेंगी और पड़ने के बाद वापस जा रही हैं, पड़ने के बाद क्या हो रही हैं, वापस जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है, इसे पॉलिश सरफेस मतलब होता है कलाई किया हुआ पृष्ठ, और एक होता है रिफ्लेक्टेड जिसे क्या बोलते हैं, जहां से किरणें परावर्तित हो जाती है, जहां से किरणें क्या हो जाती है, परावर्तित हो जा रही है, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कि रेज में आते हैं, रेज में आते हैं तो क्या है, दो प्रकार की रेज होते हैं, एक क्या होते हैं, पढ़ने वाली, और एक क्या होती है, पढ़ने की बात। जो पढ़ती है, जो प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश पुंज से आती हैं और किसी माध्यम की ओर जाती हैं, उस किरण, देखिए ये किरण आ रही है और इसका एरो भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरो क्या है, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसे बोलते हैं इंसिडेंस रे। इंसिडेंस का मतलब होता है, इसे बोलते हैं आपतित किरण, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भैया आपतित किरण, और जहां पे पड़ती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन बिंदु, इसे क्या बोलते हैं, आपतन
बिंदु बोलते हैं, यह ध्यान देना है। पढ़ने के बाद जहां से टकराती हैं, टकरा करके वापस जाती है, जैसे कि हमने परावर्तन में बताया कि जो प्रकाश किरणें क्या हो जाते हैं, किसी माध्यम में टकरा करके वापस लौट जाते हैं, तो मतलब वहां से कोई किरण आई और वो वापस लौटेगी, लौटेगी तभी तो परावर्तन हो रहा है, तो लौट रही है, तो इस किरण को क्या बोलते हैं, इस किरण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, मतलब रिफ्लेक्टेड रे। और जहां पे पॉइंट दोनों को एंगल में बांटती है, दोनों को एंगल बांटती है, इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर होता है, इसे बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं, जिसे बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिलंब, ये ध्यान देंगे। अभिलंब से दो कोण, जैसे ही अभिलंब इसमें यानी नॉर्मल पड़ा, इसमें दो एंगल में बांटा, एक होता है इसे बोलते हैं नॉर्मल एंगल बना, ये बना, और एक ये बोलता है इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं आप, इसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और इसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी इसे बोलते हैं आपतन कोण, और इसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, ये सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। इसी में आते हैं परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार में देखेंगे नियमित परावर्तन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है अनियमित परावर्तन जिसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। नाम से पता है रेगुलर, रेगुलर किसमें होगा, जब सारी क्लासेज अच्छी होंगी, स्कूल वगैरह का अगर हम लेते हैं तो स्कूल में सब कुछ अगर जो जितना भी होता है स्कूल का मैनेजमेंट वगैरह जितना भी होता है कैंपस एकदम अच्छे तरीके से होगा, तो वहाँ रेगुलर क्लासेस करने में मन करता है, यानी मजा आता है, वहाँ भी जाने का थोड़ा सा वो बनता है ना, तो मतलब कोई भी कैंपस अच्छा होगा तभी तो रेगुलर क्लास करने में उसका मजा आता है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए रेगुलर परावर्तन तब होगा जब उसका पृष्ठ कैसा होगा, चिकना होगा और समतल होगा। पृष्ठ कैसा होगा, चिकना होगा और समतल होगा, यानी स्मूथ एंड प्लेन होगा, तभी क्या होगा, परावर्तन नियमित होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि जितनी भी प्रकाश की किरणें आती हैं, जब प्रकाश की किरणें क्या होते हैं, किसी पुंज से निकलती हैं, तो चिकने सतह पर या समतल सतह पर जब क्या करते हैं, परावर्तित होती हैं, तो अधिकांश प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो मतलब इसमें लगभग हम कह सकते हैं 99% जो क्या होती है किरणें, 99% जो रेज होती है वो क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर 99% रेज हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है, इट मीन्स उसे हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा आता है अनियमित परिवर्तन, बोले कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन नाम से भी पता है, इरेगुलर कभी कभार, नाम से पता है इरेगुलर मतलब कभी कभार, कभी कभार के लिए चीजें क्या होंगी, खुरदुरा मन में इधर चले आगे खुरदुरा में आता है, कभी कभार जो हम आते हैं तो चाल घूम घुमा के आते हैं, मतलब घूमते रहते हैं इधर उधर, तो मतलब हमारी चाल भी क्या हो रही है, इधर उधर घूम रही है, तो घूम रहे तो मतलब जो हम लाइन सीधी हम चलना है, सीधे हम चल करके आ रहे हैं, तो अब क्या होगा, घूमते हुए आएंगे, तो जो घूमने को हमारी जो रेखा बनेगी वो क्या होगी, वक्री बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनेगी, मतलब अब इसका सरफेस कैसा होगा, इसका सतह कैसा होगा, रफेज क्या होगा, कर्व होगा, है ना। तो इस पर जब प्रकाश किरणें आएंगी तो देख रहे हूँ कि यहाँ से सरफेस, यहाँ चिकना था तो जैसे जाना चाहिए वैसे मतलब क्या आपतन कोण और परावर्तन कोण बनाते हुए निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा आपको लग रहा है, देखिए ये उठा हुआ भाग है, फिर यहाँ एकदम उठा हुआ भाग है, धंसा हुआ भाग है, फिर उठा हुआ भाग है, फिर धंसा हुआ भाग है, मतलब क्या है, जो इसका सरफेस है क्या है, उठा धंसा, उठा धंसा हुआ है, मतलब यहाँ से किरणें आएगी, देख रहे होंगे यहाँ इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, उठे हुए भाग के कारण ऊपर चली जाएगी, यहाँ ऐसे जाएगा, फिर उठे हुए भाग धंसे हुए भाग कारण ऐसे भाग जाएगी, मतलब इसमें लगभग अधिकांश किरण क्या हो जाएंगी, अधिकांश जो किरणें हैं यानी जो मैक्सिमम रेज हैं, मैक्सिमम रेज क्या हो जाएंगे, अपने मार्ग से क्या हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, अपने मार्ग से क्या हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, मार्ग से विचलित हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक। मैक्सिमम रेज क्या हो जाएंगे, जो इसका रेज वो वे होगा या माध्यम होगा, माध्यम से क्या हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, राइट। फिर इसके बाद देखेंगे, अब आगे पढ़ते हैं परावर्तन के नियम, ये सारी चीजें आशा करते हैं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखेंगे परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, फिर दर्पण पढ़ेंगे, जो कि आपको ये नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, तो ये यहाँ से इसको खत्म करते हैं, बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ठीक है।